भैया उस दिन एक डिस्कशन में कंपटीशन के रिलेटेड बात आई कि आपने बताया था कंपटीशन में भाग ही क्यों लेंगे। तो हम खेल कूद में या इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज में बच्चों को तैयार करें तो किस भाव से उनको तैयार करें? जी, पर्पज को समझ कर, जैसे खेलना है तो क्यों खेलना है, नृत्य करना है तो क्यों करना है, गीत गाना है तो क्यों गाना है, पेंटिंग करना है तो क्यों करना है। तो अभी बच्चों के पास जो पर्पज होता है वो ये होता है कि इससे हमको दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिलेगा, लोग मेरा नाम जानेंगे, पहचान मिलेगी, तारीफ मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा ना। अब यही पर्पज होता है, और जब भी ऐसा होता है तो फिर स्रोत तो बाहर बन जाता है। और ये एक बहुत ही सटल और प्रोग्रेसिव कंडीशनिंग है जो बच्चों के अंदर घर कर दी जाती है। तो हम ये बता सकते हैं बच्चों की अल्टीमेटली पेंटिंग क्यों करना है, और इसके लिए हमको पहले स्वयं स्पष्ट होना पड़ेगा, नृत्य क्यों करना है, खेलना क्यों है। तो इन सब के अगर हम प्रयोजन को देख पाएंगे तो इसको हम शेयर भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खेलना है, क्यों खेलना है, तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें दौड़ना है, हम उतना दौड़ेंगे जितना हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो। तो दूसरे से आगे निकल के दौड़ना है, ये बहुत आवश्यक है, दौड़ना है क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए। पेंटिंग क्यों करना है, व्यवस्था को चित्रित करना है, परिवार की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को, पूरी स्थिति की व्यवस्था को चित्रित करने के लिए करना है। तो पेंटिंग क्यों करना है, डांसिंग क्यों करना है, कोई सही भाव प्रस्तुत करने के लिए डांस करना है। गीत क्यों गाना है, संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, दूसरों तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए गीत गाना है। ये बात हमको अपने आप में स्पष्ट हो तो हम बच्चों के साथ थोड़ा सा डायलॉग करके स्पष्ट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को देखें तो वो इसी भाव से कोई चीज़ करना चाहते हैं, वो पेंटिंग करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है उसको देख कर, मतलब वो दूसरे से तुलना करके पेंटिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनको खुद में ही कोई चीज़ कन्वे होता है। वो धीरे धीरे हम उनके अंदर लाते हैं कि दूसरे से अच्छा पेंटिंग करना है, दूसरे से डांसिंग करना है, दौड़ना है, खेलना है, ये भाव फिर हम उनके अंदर पैदा करते हैं। और होता यह है कि चूंकि प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता तो इसलिए हमेशा रेफरेंस बाहर होता है। अगर हमें प्रयोजन स्पष्ट है और वो प्रयोजन हमें अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के अलॉन्ग दिखता है, समझ के आधार पर ठीक दिखता है, तो फिर हम उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अन्यथा हम दूसरे से तुलना करके उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। रेफरेंस हमेशा बाहर रहता है, उसमें हम आगे निकल जाए तो भी एक्साइटमेंट या डिप्रेशन की बात होती है, पीछे रह जाए तो भी एक्साइटमेंट या डिप्रेशन की बात होती है। आगे निकल जाते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, और ये उतार चढ़ाव बना रहता है, और ये बहुत ही डीप कंडीशनिंग बन जाती है। खासतौर पर आज के फॉर्मल एजुकेशन में ये बहुत ही डीपली इंग्रेंड हो जाता है। तो हम प्रयोजन को समझ के करेंगे। तो भैया फिर इसमें स्किल्स का डेवलप करना है तो ये कंपटीशन के बिना डेवलप हो पाएगा उस लेवल का? जैसे कंपटीशन में जो सामने कोई नहीं हो तो हम ऐसे कैजुअली खेलते हैं तो उस इंटेंसिटी से तो नहीं खेल पाएंगे। जी देखिए, तीन स्थितियां हैं। एक है कि हम में स्वयं में प्रयोजन स्पष्ट है और इसलिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम स्वयं में ही देखते हैं कि और बेहतर कैसे हो सकता है ताकि प्रयोजन ठीक से पूरा हो। दूसरी स्थिति है कि हम दूसरे से तुलना करके दूसरे से अच्छा करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहता है क्योंकि दूसरे से आगे निकलना है। तीसरी स्थिति है कि हम दोनों ही नहीं करते हैं, ना तो हमको स्वयं में स्पष्ट है ना दूसरे से तुलना करते हैं। इस स्थिति में हम डल हो जाते हैं, हम कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे परफॉर्मेंस हमारा पुअर होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन में भी इन तीनों को ही प्रयास किया गया है कि एक प्रयास तो यह है कि बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आए, क्योंकि बच्चे को सब्जेक्ट का रिलीवन दिखाई दे रहा है अपने सुख के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, तो बच्चा एक प्रकार से मेहनत करेगा सब्जेक्ट को समझने के लिए। दूसरा, कि क्लास में हमने एक दूसरे से तुलना शुरू कर दी तो बच्चा फिर उसमें दूसरे की तुलना में आगे निकलने के लिए मेहनत करेगा। और तीसरी स्थिति है कि हमने दोनों ही नहीं किया, तो उसमें कई बार दिखाई देता है कि बच्चे डल हो जाते हैं। इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि एजुकेशन में, खासतौर पर IITs में भी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होनी चाहिए या रिलेटिव ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो कई बार ये पाया गया है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करने से
ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चों का लो हो जाता है, रिलेटिव ग्रेडिंग को प्रमोट किया गया। तो जो ग्रेडिंग होती है वो जिस तरह से हम अभी अल्फाबेट्स में देते हैं वो रिलेटिव होता है, और उसको सारे IITs में और हायर एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है। बट उसमें बात मूलतः ये है कि अगर हम बच्चे को खुद से ना एक्सप्लेन कर पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, तो फिर हमको रिलेटिव ग्रेडिंग के द्वारा बच्चे को प्रमोट करना पड़ता है। परंतु उसको थोड़ा सा लौट के अपनी तरफ देखें, जैसे अभी हम मॉर्निंग में सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के लिए जल्दी सोते हैं, ठीक, फिर हम जो भी आज असाइनमेंट मिलता है उसको हम दिन भर अपने ऊपर विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, प्रश्नों को खुद से रिजॉल्व करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं। अब इतना सारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमको अपने सुख से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। मुझे दिखता है कि बेसिक एस्पिरेशन जो मेरा है वो पूरा तभी होगा जो हमको बातें समझ में आएंगी, ये मेरा उसका जीना उसके अनुरूप होगा, तो हम खुद से कर रहे हैं। इसमें दूसरे से तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मुझे स्पष्ट हो गया है। तो कोई भी चीज़ जब मुझे स्वयं स्पष्ट हो जाए और मेरे बेसिक एस्पिरेशन से कनेक्ट हो जाए, तो मैं उसको खुद से स्वस्फूर्त ढंग से करता हूँ। अगर मेरी बेसिक एस्पिरेशन से कनेक्ट नहीं होता तो कोई दबाव या प्रभाव की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम जो सुबह मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमको अपने बेसिक एस्पिरेशन से कनेक्टेड दिखाई देता है। हमको अगर पढ़ाई लिखाई भी अपने मूल चाहना से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर हमको खेल कूद भी अपने मूल चाहना से जुड़ा दिखाई दे तो मेहनत करेंगे। या कला है, कलाएं भी मुझे अपने मूल चाहना से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो मेहनत करेंगे। तो इसको स्वयं में देखें ना, तो जब भी मुझे दिखता है कि इसी में सुख है तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। मुझे नहीं दिखता इसमें सुख है तो मुझे उसको मेहनत करने में दुख महसूस होता है। जब दुख महसूस होता है मैं पीछे हटता हूँ। पीछे जब हटता हूँ तो जो वातावरण में है लोग वो मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, और फिर एक तरीका है प्रतिस्पर्धा, और फिर उससे मुझे मोटिवेट किया जाता है, मैं उससे मोटिवेटेड भी हो जाता हूँ। बट उसके साथ मोटिवेशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वो एक डीप कंडीशनिंग, कि मुझे दूसरे की तुलना में ही आगे बढ़ना सुख लगता है, चाहे सुविधा के टर्म्स में हो, व्यवहार के टर्म्स में हो, कार्य के टर्म्स में हो, और वो एक डीप कंडीशनिंग बन जाती है। आप इनफैक्ट अगर थोड़ा सा आप देखें तो जिन लोगों ने भी इतिहास में समाज ने कोई बड़े काम किए हैं वो दूसरे की तुलना में नहीं किए, जितने भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए हैं वो दूसरे की तुलना में नहीं किए हैं, जितने भी बड़े खोज हुए हैं, बड़े इन्वेंशन हुए हैं, वो सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे की तरफ नहीं देखा, वो आवश्यकता को समझ के करते गए। अगर यहाँ भी देखें ज्ञान के लिए जो प्रयास हुआ है वो दूसरे की तुलना में नहीं हुआ है, तो अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो हम ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। और इनफैक्ट ये भी होता है कि फिर दूसरे की योग्यता अयोग्यता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, मैं अपने आप में पूर्णता के लिए काम करता हूँ। ऐसा हो सकता है क्लास के सभी बच्चों को सब्जेक्ट का 40% ही समझ में आया है ना, और मैं 41% 5 से आगे निकल सकता हूँ, बट यदि मैं पूर्णता के लिए काम करूँगा मैं 100% समझने के लिए काम करूँगा, और मैं उसको फिर अप्लाई भी करूँगा जीने में। अभी जो शिक्षा में भी चैलेंज है वो यह कि जीने से नहीं जुड़ रहा, बच्चे उसको जीने में अप्लाई नहीं करते, है ना, किताबी ज्ञान तक जिसको कहते हैं रह जाता है। ये सारे क्यों है, क्योंकि हम उसको अपने सुख से जुड़ा हुआ नहीं देख पा रहे, और हम सुख से जुड़ के जब देखेंगे तो हम खुद में फिल्टर आउट भी कर लेंगे कि क्या इसमें काम की चीज़ है, क्या इसमें बेकाम की चीज़ है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे जीना है, ये मैं अपने आप में तय करूँगा, दूसरे की तुलना में नहीं। हाँ, दूसरे को देख कर ये होता है कि हमें सूचना मिलती है, और सूचना से हम अपने मूल्यांकन में भी वो हमें कई बार सहायक होता है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाओं का रोल होता है कि हम अभी जो कर रहे हैं उसमें एक भाग ज्ञान का एक भाग सूचना का है, तो सूचना से हमें वो बात तय हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सूचना मिले कि आज दिन जूम ऐप पे बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और उससे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो ये सूचना मिलती है, हम भी जूम ऐप या कोई ऐसे ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, आपको सूचना मिली इसका सदुपयोग किया, कि दूसरे की तुलना में किया ऐसा नहीं, बट बाहर से सूचना मिलती है उसका सदुपयोग करते हैं, ये हो सकता है। तो और लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और लोग कैसे खेल रहे हैं, और लोग कैसे काम कर रहे हैं, इसकी सूचना हमें मिलती है, हम उसका सदुपयोग करते हैं अपने मूल्यांकन के आधार पर, ये तो हो सकता है। पर जहां इससे हम श्रेष्ठता मानने लगते हैं, दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ होने का प्रयास करने लगते हैं, तो वहां समस्या है। ठीक है भैया, इसमें ध्यान देंगे। फिर नेशनल या ओलंपिक्स होगा या नहीं होगा? देखिए अभी ये दिख ही रहा है ना, अभी
इंडिया का वो मैच था, ठीक, लोग आशा लगाए हुए थे इंडिया जीतेगी, इंडिया हार गए तो वो तो बहुत दुख आता है। तो वैसे कोई गया वो, कोई एक चीज फेंक आया बहुत दूर तक, तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, वो नहीं फेंक पाया बहुत बुरा हुआ। तो अल्टीमेटली इसमें उतार चढ़ाव तो शामिल है, लेकिन दूसरे देशों से जुड़ने का क्या सही स्वरूप होगा, समाज में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का, दूसरे के साथ निर्वाह करने का, एक देश का दूसरे के साथ संबंध के निर्वाह का क्या स्वरूप होगा, क्या हो सकता है। तो ऐसा मिल सकते हैं हम, मिलके कुछ है ना, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, अभी भी करते हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ के साथ फिर खेला जाए तो इंडिविजुअल लेवल से देखना शुरू करें, तो पता लगेगा कि हमको खुद में भी अगर ऐसे किसी ओकेजन में शामिल होना हो कि अगर हमने जीत लिया तो वाह वाह, नहीं जीते तो काला झंडा दिखाया जाएगा, तो सोचिए हमारी अपनी कल्पनाशीलता की स्थिति क्या होगी, हम अपने आप में कितने आराम में रहेंगे, कितने परेशान होंगे कि नहीं। सही है, अभी यहां तक भी खुशी मिलने लगी, कम से कम पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा, अपन इंग्लैंड से आ गए कि तो ये अंदर चल तो रहा है भी, जी अभी इसमें भी प्रतिद्वंदी किसी को मान लिया है, और हमें ये समझ में भी नहीं आता कि अल्टीमेटली जीत हार का खेल नहीं है, ये पैसे का खेल है, अगर जीतते तो किसी का बिजनेस बढ़ जाता है, हारते किसी का बिजनेस घट गया। तो हम जिस तरह से कंडीशन होते हैं उसका प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति सुविधा संग्रह में लगा हुआ है, ये भी सही है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जुड़ जाते हैं। सही बात, धन्यवाद भाई, बढ़िया भैया, बढ़िया। हाँ, तो अभी जो कंपटीशन और कोऑपरेशन की बात हो रही थी, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या फिर कंपटीशन नहीं होना चाहिए क्या, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली तो ये कंपटीशन जैसे गेम्स हैं और ये सारी बातें हैं जहाँ पे जिसको हम अभी तक तो कंपटीशन ही कहते हैं, तो क्या ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए, ये इस तरह के सवाल आने लगते हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए भैया। भैया उसमें तीन ऑप्शंस ओपन कर दें, एक है कि हम स्वयं में सही समझ सही भाव के आधार पर कोई निर्णय ले रहे हैं पढ़ने का, खेलने का, काम करने का, दूसरा है कि दूसरे के प्रभाव में निर्णय ले रहे हैं, दबाव में निर्णय ले रहे हैं, इसमें कंपटीशन की बात है, और तीसरा है कि न तो स्वयं में समझ है न दूसरे के प्रभाव से चल रहे हैं, तो बिल्कुल अनिश्चितता बनी हुई है, उत्साह नहीं है, तो लोगों को क्या लगता है कि पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन बचा है, दूसरे को हटाने के तो तीसरे में पहुंच जाएगा, अगर बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं आएगा तो ये तो दिन भर सोता रहेगा, न पढ़ेगा, न खाएगा, पिएगा ठीक से, न जिंदगी बेकार हो जाएगी, पहला ऑप्शन को हम ओपन नहीं करते। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कॉम्पिटिशन को हटा दें, तो वहां करना बनता नहीं, कॉम्पिटिशन को रिप्लेस कर दें सही समझ सही भाव से, तो और वो पूछ भी लें कि आप बताइए कि कॉम्पिटिशन से दबाव में आकर आपने अभी तक लाइफ में जो काम किए हैं कितने अच्छे ढंग से किए हैं, और अपनी स्वयं की समझ और भाव से आपने जो काम किया वो कितने अच्छे ढंग से किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ को अपने बच्चे का केयर करना, तो पड़ोसी का बच्चा कैसे केयर करता है, इसको ध्यान में रखकर ज्यादा अच्छा केयर कर पाएगी, या स्नेह का भाव होगा तो ज्यादा अच्छा केयर कर पाएगी। मुझे अगर पढ़ाई करनी है, उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट बन जाए, समझने की प्रेरणा बन जाए, तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा समझूंगा, या दूसरे के मार्क्स को देखकर ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा समझूंगा। ये तीन ऑप्शंस ओपन कर दें और अगले को चूज करने दें, बहुत समय नहीं लगता है, देखिए मतलब थोड़ा सा उससे हटके, परंतु ये जो मूवी बनाई गई थी थ्री इडियट्स, उसमें इसी बात को दिखाया गया था कि आप भाई एक्सेलेंस के लिए काम करो, है ना, दूसरे की तुलना में अपनी योग्यता का आकलन मत करो, और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी अप्रिशिएट किया, तो बच्चे भी एक्सेलेंस के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरे के तुलना में दबाव में आकर तो बच्चे सफर करते ही हैं, आगे निकल गए तो भी, पीछे रह गए तो भी, तो करने दे, खुद ही चूज कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि वहां पे घटना को नहीं तो भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि भाव अगर उनका सही हो, समझ अगर सही हो,
तो किसी स्पोर्ट्स में किसी एक्टिविटी में अगर वो उतरते भी हैं कंपीट भी करते हैं, लेकिन भाव अगर ठीक हो तो कंपटीशन बुरा नहीं है। हम नहीं, भाव की बात करें या घटना की? नहीं नहीं, ये दोनों ही मुद्दा नहीं है, पूरी बात हट गई जी, घटना की बात नहीं है। हाँ देखिए, सही भाव के साथ हम दूसरे से तुलना करके आगे बढ़ने का प्रयास कर ही नहीं सकते, तो हम तो तीन ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम सुबह का सेशन रन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सभी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, ये स्वयं की प्रेरणा से हो रहा है क्योंकि हमको इसमें अपना सुख दिखाई देता है ना, मेरा मित्र उठा है कि नहीं, परिवार के लोग उठ पाए हैं कि नहीं, मेरा ना पड़ोसी उठा है कि, इससे क्या लेना देना अपने को, अपने को बात समझ में आ रही है, सुख मिल रहा है, हम सुख कर रहे हैं। वही बात हम बाकी हर फील्ड में भी देख सकते हैं कि अगर हमको किसी चीज की आवश्यकता स्वयं में स्पष्ट है तो खुद ब खुद हम मोटिवेटेड होंगे इसे करने के लिए। स्वयं में जब आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती है तो फिर हमको दूसरे से तुलना करके अपने आप में तय करना पड़ता है, अपने में तय करना पड़ता है। तो मैंने वही कहा, कंपटीशन को हटाने की बात नहीं, कंपटीशन को उससे बेहतर जो अल्टरनेटिव है उससे सही भाव के साथ कंपटीशन कैसे होगा? सही भाव तो विश्वास का है, सम्मान का है, जीने की बात अलग हो गई भैया। लेकिन केवल स्पोर्ट्स की अगर बात करें हम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है, तो इसके लिए हम प्रमोट ना करें क्या, ये प्रश्न आ जाता है। देखिए, अभी भी आप थोड़ा सा बच्चों के आचरण को देखिए, जो बच्चे स्पोर्ट्स में ना कंपटीशन करके खेल रहे थे, तो स्पोर्ट्स खेलेंगे, फॉर एग्जांपल हमको बैडमिंटन खेलना है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, पीछे से आवाज आ रही है, हमें बैडमिंटन खेलना है, ठीक। एक ऑप्शन है कि ऐसा आप जोर से मारे बैडमिंटन को कि दूसरे के ना पाले में वो कॉर्क गिर जाए, ठीक, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि कॉर्क को गिरने ही ना दे, दोनों मिलके जमा दे, इतना कौन सा ज्यादा ठीक है? कि दो लोग मिलके तय कर ले कि भाई हमको कम से कम 100 बार इसको इधर से उधर करना है, गिरने नहीं देना है, दूसरा कि इतना जोर मारना है कि दूसरा उठा ही ना पाए। इसमें शरीर का व्यायाम किस दूसरे अच्छा होगा? दूसरे वाले में है ना, तो अगर हम स्मैश मार के गिरा देंगे तो खेल ही नहीं पाएंगे, एक बार के बाद रुक जाएगा वो, बट यदि हम 100 बार जमाए तो आप देखिए हाथ पांव और जहां पे कॉर गिरेगा वहां से उठाएंगे उसको, पूरा बॉडी का फ्लेक्स करेगा पूरा बॉडी, ठीक, आपस में भाव भी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा बच्चे के अंदर कर ये जो दूसरे के पाले में कॉर्क गिराने वाला जो भाव हमने तैयार कर दिया ना, वो पता चला तर्क वितर्क में भी दूसरे को बीट करने में लगा है, हर बात में दूसरे को हराने में लगा है, अपनी गलती नहीं स्वीकार रहा है, दूसरे कमियां उजागर करने में लगा है, अब ये ऐसी कंडीशनिंग है जो हमको नहीं दिखाई दे रही, जो उसका एक आउटकम है। इसमें ये भी बात आती है ना कि जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम कहते हैं कि हार को भी स्वीकार करने की जो मानसिकता है वो नहीं बन पाती, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। हाँ, तो ये भी तर्क दिया जाता है कि जब स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे तो उनमें हार और जीत को सही सही स्वीकार करने की क्षमता बन योग्यता बन जाती है, तो जो लोग नहीं खेलते हैं तो वो अपनी हार को देख नहीं पाते ठीक से और उसमें काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इस तरह से भी एक तर्क दिया जाता है कि स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में कभी हार कभी जीत हो सकती है, हमेशा अपने अनुकूल नहीं हो सकता है। अब सही समझ की बात तो अलग बात हो गई, लेकिन जिन सही समझ सभी में नहीं होगी तो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकारने की जो योग्यता है वो स्पोर्ट्स से आती है, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। हाँ, उसमें भी देखे ना, हार और जीत से प्रभावित तब हुए ना जब हार और जीत की रेस में लगेंगे, हम तो रेस से ही बाहर है भैया, तुम आगे हो या पीछे हो तो मेरे संबंधी हो, पीछे हो जाए तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे ले चलेंगे, आगे हो तुम्हारा हाथ पकड़ के हम भी आगे आएंगे, ये भाव बनेगा ना कि हार और जीत से हम प्रभावित होंगे। तो बंटू का जो उदाहरण दिया जाता है ना, तो ये जो स्पोर्ट्स के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं उससे अल्टीमेटली हमको देखना पड़ेगा, तो हम हार और जीत की रेस में तो है ही ना, दूसरे से आगे निकले चाहे पीछे निकले, कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो इसके लिए जी सही समझ तो एक सोल्यूशन है ही, होलिस्टिक सोल्यूशन है, लेकिन
जिनमें सही समझ नहीं है उनके लिए क्या कहा जा सकता है? समझे? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि सही समझ की पूर्णता होने के बाद ही ये निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे हम लोग ही, जो उदाहरण मैंने दिया भी, ऐसा नहीं कि हमारी समझ की पूर्णता हो गई तब हम सुबह के सत्र में शामिल हुए, समझ के अर्थ में शामिल हुए। वैसे ही समृद्धि के भाव के अर्थ में, सुख के अर्थ में अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं, उसमें हम पूर्ण हो जाए एक ही दिन में ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमको कम से कम स्पष्टता तो हो ही जाएगी कि यही कार्यक्रम है। तो हमको सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान करनी है, ना कि दूसरे से अधिक सुविधा जुटाने के लिए योजना बनानी है। ये तय तो 2 दिन में हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे मित्र ने 2 नए फ्लैट खरीद लिए तो हमको भी 2 और खरीदने हैं। हमको दिख रहा है कि एक फ्लैट में जितना जगह है वही हमारे लिए पर्याप्त है, आवश्यकता से अधिक है। ये तो 1 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए समझ की पूर्णता क्या होता है, अनुभव तक ना भी पहुंचे तो भी पहले ही तय हो जाएगा कि नहीं। ठीक 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 है भैया जी, इसके लिए तो देखिए, समझने में तो समय हम सबको लग रहा है, परंतु कुछ निर्णय को तो, इसलिए तो कल ये बात आई थी कि हम अपने मेजर कंसर्न्स क्या, उसको नोट कर लें, सुविधा की आवश्यकता की सीमा को देख लें, तभी हमारे अंदर समृद्धि का भाव होगा। वैसे ही हमको दिखाई दे कि स्वयं में सही भाव, सही समझ के साथ ही सुख होगा। ठीक, दूसरे का प्रभाव तो टेम्पररी है, ये अच्छी बात है। कॉम्पिटिशन पे बात हुई, क्योंकि हम अनजाने में इन सब बातों को तो हम लोग शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, बट बहुत सारे हमारे अंदर प्रश्न शेष रह जाते हैं। कॉम्पिटिशन में से एक मेजर प्रश्न है। हमको लगता है कॉम्पिटिशन से तो कोई निजात है नहीं। अभी भी आप देखिए, डिपार्टमेंट कोई व्यक्ति हो जो सबसे कॉम्पिटिशन कर रहा है, उसकी स्वीकृति कितनी होती है? और एक व्यक्ति हो, है ना, जो सबके साथ अच्छा संबंध का निर्वाह कर रहा है, उसकी स्वीकृति कैसी होती है? ये हो सकता है कि उस क्रम में हमारा प्रमोशन थोड़ा देरी से हो, इंक्रीमेंट थोड़ा कम हो, बट हमको सुविधा की आवश्यकता बहुत पहले स्पष्ट हो जाती है। तो हमको दिखता है कोई जरूरी नहीं कि मैं इतने लंबे समय तक जॉब में रहूंगा तभी मेरी आवश्यकता पूरी होगी, या इतने पद पे पहुंचूंगा तभी आवश्यकता पूरी होगी। ठीक, हमको दिखता है इतने निश्चित समय में पूरी हो सकती है, तो हम उसके लिए अपने कार्यक्रम को निश्चित कर पाते हैं। ठीक है, और हमको अपना एक बेहतर रोल दिखाई देता है, किसी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट से डायरेक्टर बनना एक क्रम हो सकता है, परंतु उससे ज्यादा अच्छा है कि हम जिस भी पद पे हैं उसमें हम एक अखंड समाज के लिए भागीदार हो पाए, हमें भी सुख मिलेगा, हमारे संबंधी को भी सुख मिलेगा। उस क्रम में हो गए डायरेक्टर, अच्छी बात है, नहीं हुए तो ही कोई बात नहीं। ये इन सब चीजों को जोड़ कर देखेंगे अपने डे टू डे लाइफ से, तो बहुत सारे चीजें जो हमारे अंदर अभी अनक्लियर है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ठीक है भैया। जी भैया, ठीक है, ठीक 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 है भैया।